और यहाँ पर पानी थोड़ा दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दोनों का प्याजू बन गया दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारा प्याजू हम बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों कैसा। हेलो दोस्तों, मैं पॉलिन और पॉलिनो का ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी सुबह का टाइम है दोस्तों। देखिए जो ये हीटर का तार कनेक्शन करते हैं वहाँ से, देखिए उस तार से इसमें कनेक्शन करते हैं। ये वाला जल गया है दोस्तों, इसीलिए ये नहीं बन पाया। तो अभी दोस्तों दोनों रेडी उडी हो गए हैं और लेके आते हैं दोस्तों ये सेम ऐसे ही वाला, और तार लेके आएंगे और उसके बाद में हम दोनों कनेक्शन करेंगे दोस्तों। ये ख़राब हो गया और अभी ठंडा का टाइम आता है जब, और यहाँ पर हम लोग घर में मतलब कोयला से बनाते हैं और गैस तो नहीं रखते हैं, बट हीटर रहता है तो हीटर से कभी तभी ठंडा का टाइम है तो सब्जी उब्जी कुछ ना कुछ गर्म उरम करने के लिए रहता है दोस्तों। और चूल्हा कोयला से तो बस सुबह जोड़ेंगे और शाम जोड़ेंगे दो टाइम, और बीच में कुछ भी मतलब नहीं बनता है ऐसे बनाने के लिए। इसीलिए दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हीटर को किसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो अभी दोस्तों सामान लेकर के आते हैं और उसके बाद में हम दोनों हीटर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि किसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखिए गेट को बंद कर लेते हैं, यहाँ से गेट उट बंद कर देंगे, और चाबी ले लो, ताला ले लो ना, और यहाँ से लेंगे पर्स। हाँ। देखिए ये है पर्स ले लेते हैं, और इसको भी ले चलेंगे, इसको भी दिखा के लाएंगे, मतलब सेम ऐसे ही वाला इतना ही बड़ा साइज लेके आएंगे दोस्तों। चलो वो गेट बंद करो, हाँ बंद कर दे। तो इधर से हम निकलेंगे, ला हाँ बंद कर दे वाला गेट। चलिए अंदर का गेट आनंद बंद कर रहा है और यहाँ का गेट हम बंद करेंगे, हम ले चलते हैं दुकान में और लेके आएंगे। उसके बाद में हम दोनों बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको बनने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए फ्रेंड्स धूप कितना निकला हुआ है, देख सकते हैं एकदम पूरा कड़क धूप है, और घर में एकदम पूरा कनकनी लग रहा था, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप में। और देखिए आनंद एकदम पूरा हीरो होके आ रहा है, दोनों हाँ दोनों पैकेट में हाथ रख लिया है, हाँ दिखा रहे हैं दिख रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं, और इधर रोड पहुँचने वाले हैं। देखिए आनंद एकदम हीरो जैसा आ रहा है, पैकेट में जींस वाला पैकेट में रख लिया है हाथ। दोस्तों अभी हम दोनों पहुँच गए रोड में और यहाँ से किनारे किनारे जाएंगे दुकान। तो चलिए दोस्तों हम दोनों पैदल यहाँ से चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है सामने है, इसीलिए हम दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं। हाँ कॉपर तार चाहिए ना। हाँ 34 रुपया मीटर आएगा, कितना मीटर थे? एक मीटर कितना कमा लिया? ई वाला नहीं, ये लोहा वाला तार नहीं रहता है गिटार का। हाँ। कॉइल चाहिए। हाँ। ये तो दर्शन हो गया, ऊपर वाला भी मुंह मिला है। ऐसा वाला सेम जो लंबा नहीं आता है ऐसा वाला, ये वाला तो वही है, इतना में नहीं हो पाएगा सर, और थोड़ा दीजिए छोटा है क्या? हाँ उतना ही छोटा रहता है, उतना ही बार बार टूट जाता है तो इसीलिए उसको दोनों मिला जो लंबा नहीं आता है, इससे लंबा नहीं आता तो लेके गए थे, लंबा लेके गए थे अलग से था। कहाँ लंबा? इसके साथ ऐसे नहीं बना हुआ रहता है, ऐसे लंबा ही रहता है। इसी को लंबा कर दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए उसमें।
पाँच जी पाए का और इसका कितना? इसका आएगा 5 रुपये। इसका इसका 10 रुपये। अरे 25, 35, 10, 40 रुपये। अभी वापस आ गए हैं घर लेकर के। देखिए दोस्तों, ये है तार लेकर के आए हैं। ये तार देख सकते हैं, इतना सारा 10 रुपये के तार है। और उसके बाद में हम लेके आए हैं, जी वाला खराब हो गया तो इसको लेके गए थे दिखाने के लिए। और लेके आए हैं, देखिए ये है बेसन हम लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, ये है हीटर का तार लेके आए हैं दोस्तों। और जो जल गया था, देखिए ये वाला जल गया था, इसको नया लेकर के आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हम हीटर को बनाएंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये हम लेके आए हैं बेसन है। आज हम आप लोग को इसका रेसिपी देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पहले हीटर को बना लेते हैं, उसके बाद में इसका रेसिपी आज हम देंगे। चलिए दोस्तों, अब बनाना शुरू करते हैं। ऐसे तो हम कभी नहीं बनाते हैं, मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा डर लगता बनाने के लिए, डर लगता था। तो कोशिश करते हर चीज़ कोशिश करने से होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बना लेते हैं। देखिए ये है, इसमें तार को लगा देते हैं। ये यहाँ पर छेद, देखिए दोस्तों इसको हम इसको लगा देते हैं। निकल गया। देखिए ये नट अंदर से लगा देते हैं। ये सब हम पहले कभी नहीं किए थे, लेकिन डर लगता था। लेकिन अभी आनंद के पापा भी नहीं है और आनंद के अंकल भी नहीं है, तो हम ही को करना पड़ रहा है। हर कुछ करने से होता है दोस्तों। हर कुछ करने से होता है, करने से आदमी सीखता है, इसीलिए हम भी कोशिश किए करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम बना लेते हैं, सक्सेस होता है कि ना। ये तार लेकर के आए हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। ये दोस्तों, काफी कोशिश करने के बाद यहाँ पर मेरा हीटर बन गया दोस्तों। देखिए ऑन कर दिए, एकदम पूरा खराब भी आ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का रेसिपी बनाने के लिए, तो देखिए दोस्तों ये है इतना सारा हम प्याज लिए हैं, और देखिए दोस्तों इतना सारा हरा मिर्च लिए हैं, और यहाँ पर लिए हैं बेसन हम लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का रेसिपी में बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को पतला पतला कट कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे प्याजू, प्याजू बनाने वाले हैं, क्योंकि आज है आनंद के पापा आ रहे हैं और आनंद के दादाजी आ रहे हैं, तो उधर से मतलब आएंगे, तो सुबह में खाए हुए रहते हैं, तो इसीलिए भूखल में आएंगे, भूख प्यास में, तो उनके लिए हम बना रहे हैं। ये है प्याजू, तो खास करके मेरे आनंद के दादा को प्याजू बहुत पसंद है। देखिए दोस्तों, प्याज को हम पानी में धो लेते हैं साफ पानी से अच्छे से। और जो प्याज को पानी में देने से क्या होता है कि तीता नहीं लगता है, इसीलिए प्याज को हम पानी से धो लेंगे दोस्तों। इस तरह से कट करके पानी में डाल देंगे। तो और प्याज को हम अच्छे से धो लिए हैं, और प्याज को छोटा छोटा पीसेस में कट करेंगे, और इसमें हरा मिर्च, धनिया की पत्ती, ये सब छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखिए दोस्तों, सारा प्याज हम कट कर लिए हैं छोटा छोटा एकदम पीसेस में। इसमें हम दिए हैं हरा मिर्च और धनिया की पत्ती। तो दोस्तों ये है बॉल, इसमें हम डाल देते हैं प्याज को। और देखिए ये है बेसन, बेसन को भी इसी में हम डाल देंगे दोस्तों। देख सकते हैं, हम बेसन को डाल देते हैं।
थोड़ा सा हम रहने देते हैं। और अभी हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, अपने हिसाब से नमक डालना है। और अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसका सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे दोस्तों। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी दे करके इसको अच्छे से हम आटा को सान लेते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अच्छे से मिला लिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका प्याजू हम बनाने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो में सकते हैं, यहाँ पे सस्पेन में हम बनाएंगे। यहाँ सस्पेन को हीटर में गर्म करने के लिए दिए हैं। और ये है तेल, तेल को भी हम डाल देते हैं दोस्तों इसमें, देख सकते हैं। ये है पर हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम प्याजू बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों इस तरह से हम प्याजू को बनाएंगे। और यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा हम भिंगाएंगे, क्योंकि हाथ में नहीं सटेगा इस समय। जितना आटे का उतना हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों। दोनों साइड से उलट पलट करके हम प्याजू को बना रहे हैं दोस्तों। इसको हम दूसरा साइड पलट देते हैं। बन गया। हाँ रे छोटा। और देखिए इधर आनंद खाने के लिए एकदम पूरा एक्साइटेड है। तो यहाँ पर ये हमारा प्याजू देख सकते हैं, एकदम अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है। देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिए हैं प्लेट, तो प्लेट में हम निकाल देते हैं प्याजू के, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा प्याजू, तो देखिए दोस्तों बन गया हमारा प्याजू। और इतना सारा बनाना है, तो चलिए दोस्तों इसको भी बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दोनों का प्याजू बन गया दोस्तों। देख सकते हैं इतना सारा प्याजू हम बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों कैसा बना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और हमको तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है। देखिए दोस्तों ये हम आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना खस्ता बना है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है दोस्तों। और इधर मेरा बेटा खा रहा है आनंद। तो दोस्तों चलिए इसको आप लोग को खा के दिखाते हैं कैसा है। देखिए एकदम मस्त बनाया है हमारा प्याजू। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर, ही जल्द बन जाती है ये, बस दो तीन चीजों से ये बनती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग का घर में भी अगर कोई मेहमान आ जाए, मतलब अचानक से आ जाए, तो आप लोग ये जरूर बना के खिलाइए, बहुत ही जल्दी ये बनती है दोस्तों। दोस्तों चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय 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 बाय। अभी हम दोनों खा लेते हैं और आधा रहने देते हैं।